हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विद्याश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, हम सैनिक स्कूल में बात कर रहे हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। तो अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इफ प्लस मीन्स डिवाइड, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स प्लस, इंटू मीन्स माइनस, एंड डिवाइड मीन्स इंटू, then what is the value of 24 divide 12 minus 80 plus 9 is equals to कितना आएगा। चार ऑप्शन भी आपके पास हैं। तो गाइस, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है 24 divide 12 minus 18 plus 9 is equals to कितना आएगा, ये आपको बताना है। बट उससे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो प्लस है इसका मतलब क्या है, डिवाइड। उसके बाद जो आपका यहां पे माइनस है इसका मतलब है प्लस, और इनटू का मतलब है माइनस, और डिवाइड का मतलब है इनटू, डिवाइड का मतलब है यहां पे इनटू। अब आपको करना क्या है, यहां पे आपको जो डिवाइड माइनस प्लस जो ये तीन साइन दिख रहे हैं इनको रिप्लेस करना है किन से, वो आपको यहां पे दिए हुए हैं कि आप क्या करेंगे, प्लस को डिवाइड से, माइनस को प्लस से, इनटू को माइनस से, एंड डिवाइड को इनटू से आपको रिप्लेस करना है। तो देखो, 24 ऐसी लिख दो, 12 भी ऐसी लिख दो, 18 भी ऐसी, और 9 भी ऐसी। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को किससे रिप्लेस करोगे, इनटू से, कर दिया। फिर उसके बाद देखो यहां माइनस है, माइनस को किससे रिप्लेस करोगे, प्लस से, ये लो। फिर प्लस है, प्लस को किससे रिप्लेस करोगे आप लोग, डिवाइड से, लो। अब आपका काम आसान हो गया। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, डिवाइड करोगे, तो 18 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 9 2 जा 18, 18 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा 2, 9 2 जा 18, फिर आपका प्लस एज इट इज रहेगा। अब देखो 24 और 12 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 12 4 जा 48, कैरी 4, फिर 12 2 जा 24, 24 में 4 ऐड करोगे 28 आएगा। अब देखो ये 288 है और यहाँ पे 2 है, तो 288 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 290। अब देख सकते हैं कि 290 कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो 290 आपका ऑप्शन डी में यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लगना तो वर्ड मास ही है, बट उससे पहले आपको जो साइन कन्वर्जन दिए हैं, यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जैसे प्लस का मतलब प्लस का मतलब डिवाइड दिया है, माइनस का मतलब प्लस दिया है, तो ऐसे आपको पहले क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, उसके बाद आपको वर्ड मास यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और बहुत सिंपल भी बन जाएगा। है तो ये क्वेश्चन वैसे मैथ्स का, बट इसको रीजनिंग में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम से दिया हुआ है, बस वो यही लॉजिक आपका चेक करना चाहता है कि आप कहीं गलती तो नहीं करते हो, क्योंकि आपको पहले साइन चेंज करने हैं। उसने बता दिया कि प्लस का मतलब ये है, आप डायरेक्टली ये वाले साइन यूज़ नहीं करेंगे, अगर ये वाले साइन यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले इन साइन को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस कैसे करेंगे आप, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। उसके बाद आप इसमें वर्ड मास यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर भी मैच करेगा। तो गाइस, करते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन को। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है इफ के डिनोट्स इनटू, के को इनटू से डिनोट किया गया है, इसी तरह बी को डिवाइड से, टी को माइनस से, एंड एम को प्लस से। जहां पे के दिखेगा वहां पे इनटू लगाना है, जहां पे बी दिखेगा वहां पे डिवाइड लगाना है, जहां पे टी दिखेगा वहां पे माइनस, और जहां पे एम दिखेगा वहां पे आपको प्लस लगाना है, ठीक है। और आपको वैल्यू बतानी है 40B8T6M3K4। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे गलती हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। 40B86M3K4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जहां पे बी है वहां पे डिवाइड, जहां पे टी है वहां पे माइनस, जहां पे एम है वहां पे प्लस, और जहां पे के है वहां पे इनटू लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए, 40 डिवाइड बाई 8, जब 40 में आप 8 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 आएगा, 8 5 40, फिर माइनस 6 प्लस 3 4 12, पहले आप डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखो, 5 और 12 प्लस के, इनको ऐड कर दीजिए, 12 और 5 17, फिर माइनस 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा।
अब देखो 11 कौन से वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत ढंग से आपको क्लियर है, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ़ 5 × 3 × 9 = 395, और भी दिया है आपको, एंड 9 × 7 × 5 = 759। इसी तरह आपको बताना है 7 × 6 × 4 कितना निकल के आएगा, राइट। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि 5 × 3 × 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 395 तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि कैसी मैथ्स है। तो गाइज हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको लॉजिक लगाना होता है कि बना कैसे, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आंसर देना होता है। तो देखो 539 है, तो 539 में इसने क्या करा, जो स्टार्टिंग का 5 है इसको सबसे लास्ट में फेंक दिया, जो बीच का 3 है उसको सबसे स्टार्टिंग में डाल दिया, और 9 को बीच में डाल दिया। वही काम यहाँ भी किया, देखो 9 जो स्टार्टिंग में उसको लास्ट में फेंक दिया, जो 7 है उसको स्टार्टिंग में डाल दिया, और इस 5 को बीच में डाल दिया। तो वही काम हम भी यहाँ पे करेंगे, जो 7 है उसको डाल देंगे सबसे लास्ट में। ध्यान देना, जो 7 है जैसे 5 को लास्ट में डाला है और 9 को लास्ट में डाला है, वैसे 7 को भी आप लास्ट, ये 7 को भी आप क्या करेंगे, लास्ट में डाल देंगे, राइट। फिर देखो 6 है, 6 को आप डाल देंगे स्टार्टिंग में। क्यों डालेंगे, क्योंकि देखो 3 है इसको स्टार्टिंग में डाला, 7 है इसको स्टार्टिंग में डाला है, तो आप क्या करेंगे 6 को भी क्या डाल देंगे, स्टार्टिंग में डाल देंगे, और जो ये 4 है ये 4 आ जाएगा बीच में। तो 647 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 647, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर आप बात करते हो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन के कोई भी क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं नेक्स्ट वाली वीडियोस में उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। फॉर मोर ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड वेदाश्री लर्निंग ऐप।